जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता और राज्य सरकार में मंत्री फारूक अंद्राबी के घर पर आतंकी हमले की खबर है। गनीमत ये रही कि हमले के दौरान मंत्री फारूक अंद्राबी घर पर नहीं थे। आतंकियों और मंत्री के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। वहीं इस झड़प के बाद आतंकी सुरक्षा कर्मियों के हथियार लेकर फरार हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के दूरू स्थित हज और वक्फ राज्य मंत्री अंद्राबी के आवास पर हमला किया और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि घायल पुलिसकर्मी को एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। घटना के बारे में और जानकारी का इंतजार है। वैसे आपको बता दें कि दक्षिणी कश्मीर में पिछले 12 घंटों के भीतर हुआ यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले बडगाम जिले के एक पुलिस उपनिरीक्षक के आवास में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी और उसके पुत्र और भतीजे को बंधक बना लिया गया था। हालांकि आतंकवादियों ने बाद में दोनों को रिहा कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने बताया कि वह पुलिस अधिकारी की हत्या करना चाहते थे, जो कि फिलहाल उस जेल में तैनात है जहां आतंकवादी से नेता बने मसरत आलम बंद हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने कार को आग लगाने से पहले बंधक बनाए दोनों लड़कों को धमकाया और हवा में कई गोलियां चलाई। तो इस घटना के बाद पूरे दक्षिण कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। साथ ही मंत्री के घर हमला करने वाले आतंकियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।